खबर जनपद पौड़ी से है, जहां आज सभी ठेकेदारों ने शहर में एक महारैली निकाली। बता दें कि 19 सूत्रीय मांगों को लेकर ठेकेदार संगठन बीते 1.5 माह से धरने पर हैं। साथ ही ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। इसी दौरान ठेकेदार संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बाहरी ठेकेदारों को ठेके देने के बजाय मूल निवासी को आधार बनाकर स्थानीय ठेकेदारों को ठेके मिलने चाहिए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि को चुनने में जब वोट उनका है तो ठेके बाहरी ठेकेदारों को क्यों। पौड़ी से मुकेश बच्चेती की रिपोर्ट। जो जिले की रैली हो रही है 13-13 जुलाई में हो रही है, शायद हमें 12 बजे जो हमारी रैली मूवमेंट करी प्रांत परिसर से, हमारी जो मांगे हैं हम करीब 2 महीने से बड़ी निगाहों को छेदी करने के लिए कर रहे हैं, अभी तक इनमें कोई सुध नहीं गई। हमने जो है पक्ष भी पूछा और विपक्ष भी पूछा, इनके साथ विपक्ष भी मिला हुआ है। झारखंड सत्र शुरू हुआ था, हमने इनको झारखंड में 5 किलोमीटर रोका था, चुनाव वालों ने उनको रोका था, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पाएंगे। विधान मंडल ने थोड़ा उठाया था हमारे माननीय विधानसभा जोन के कलीम रावत ने, मुख्यमंत्री ने इग्नोर मार दिया, सत्र काहे के लिए चला आपको पता है, 72 रुपये बढ़ गया बस, मांग चुनाएंगे छोटी छोड़ी निंदा करो और मूल निवास पर लागू करो, जो रॉयल्टी का आप बार बार कानून ला रहे हैं, जमीन बेच दी, जगह बेच दी, नदी बेच दी, खनन बेच दिया, हमारे कपड़े रह रखे बेचने के लिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो आंदोलन था उसमें हमारी माँ बहनों ने, हमारे युवाओं ने अपनी जान को खोया, अपनी अस्मिता को खोया है, और उत्तराखंड जो बनाया गया था इन उद्देश्यों से बनाया गया था कि हमारे उत्तराखंड के लिए हमारा कानून होगा, हमारे उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार की व्यवस्था बनाने का एक सिस्टम बनेगा, किंतु दुर्भाग्य आज यह है कि आज यह पूरा सिस्टम नेताओं के लिए और यह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है अधिकारियों के लिए बन गया है। ये सारे नियम कानूनों को ताक में रखते हुए अपने चहेतों को काम का लाभ देने के लिए नियमावली बना रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ठेकेदार संघ आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है उत्तराखंड के सरकारों के लिए। हम ठेकेदार संघ का होगा और ठेकेदार संघ ये आज वचन देता है कि आने वाली सरकार चाहे कोई भी हो वो बिल्कुल ठेकेदार संघ उसके साथ होगा जो प्रदेश की बात करेगा, हमारे युवाओं की बात करेगा।